लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने एक नायका हॉल दिखाने जा रही हूँ, जहाँ मैंने नायका से काफ़ी सारे सामान लिया है, एज यहाँ पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं काफ़ी, तो मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में सारे सामान मिल गए। तो हमारा पहला सामान है ये जीके का, दैट इज ग्लोबल केराटिन का ये शैम्पू। ये मेरे ब्यूटिशियन ने मेरे को रेकमेंड किया था, इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है और इससे मेरे बाल काफ़ी स्मूथ डीटैंगल्ड, एज मेरे कर्ली हेयर हैं बट स्टिल काफ़ी डीटैंगल्ड फील करते हैं और बहुत ही स्मूथ फील करते हैं। इसके साथ एक कंडीशनर भी मिलता है जो मेरे पास ऑलरेडी था, इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। और ये आपको ज़ीरो हेयर फॉल देता है, मतलब इससे आपका हेयर फॉल प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक सुधर जाता है। हमारा नेक्स्ट आइटम है ये सनब्लॉक क्रीम न्यूट्रीजिना से। इसमें 50 SPF है और ये ड्राई टच सनब्लॉक है, जिससे आपकी स्किन में ऑयली फील नहीं होता। जब भी आप धूप में जाएंगे तो आपको ऑयली चिपचिपा फीलिंग नहीं आएगा। और जब मैं गोवा गई थी, इसने मेरा काफ़ी हेल्प किया, इसने मुझे टैनिंग से बहुत ज़्यादा सेव किया, तो आपको भी मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और ये मेरा सेकेंड पैक है, पहला वाला पैक फिनिश हो चुका है, इसलिए मैं ये सेकेंड टाइम ऑर्डर कर रही हूँ। हमारा अगला आइटम है ये स्किन ग्लो ऑयल, ये है रैनी की तरफ से। जैसा कि आपको पता है, मैं रैनी के काफ़ी प्रोडक्ट्स प्रमोट करती हूँ, क्योंकि एज अ न्यू ब्रांड इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने जैसे यूज़ लास्ट टाइम मैंने आपको लिपस्टिक का बताया था, ये देखिए, ये एक मैं ड्रॉप डालूँगी और ये देखिए, ये रैनी का ऑयल कैसा ग्लो दे रहा है आपकी स्किन को, ये देखिए। पता नहीं कैमरा इसे जस्टिस कर रहा है कि नहीं, ये देखिए कितना ग्लोई इफेक्ट है। तो जिनका ड्राई स्किन है, डल स्किन है, तो ये ग्लोई इफेक्ट आपके फेस पे बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप इसे फाउंडेशन के नीचे पहन सकते हैं और ये देखिए कितना ग्लो कर रहा है, आपका फाउंडेशन बिल्कुल ग्लाइड हो जाएगा इसके ऊपर। हमारा अगला आइटम जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है हम ये शुगर का स्टिक फाउंडेशन, जिसके साथ ये देखिए, ये शुगर का स्टिक फाउंडेशन है। ये मैंने ऑलरेडी अपने फेस पे अभी अप्लाई कर रखा है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली डिजॉल्व हो जाता है आपकी स्किन में और एकदम आपका नेचुरल स्किन लगता है देखकर। और ये देखिए, इसके साथ हमें एक ब्रश भी मिलता है। तो जैसे ये मैंने दोनों ढक्कन उतार लिए हैं और ये देखिए, ये मैं इस हैंड पे लगाऊंगी, ये फाउंडेशन लग गया। और आप ये जो स्टिक है इससे आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, ये देखिए ये कितने इजीली ब्लेंड हो जा रहा है और ये आपका एकदम नेचुरल स्किन लग रहा है। ये देखिए ये ब्लेंड भी हो गया है, ये देखिए ये स्किन और ये स्किन में फ़र्क देखिए कितना ड्यूई सा लग रहा है। सो ये है, हो गया हमारा शुगर का फाउंडेशन जो कि स्टिक फॉर्म में है। मैं इन सब चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में ही मैं आपको स्क्रीन पे इसके प्राइजेस मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको प्राइजेस का आइडिया लग जाए, क्योंकि इस टाइम मेरे को सबके प्राइजेस एक साथ ही याद नहीं रहेंगे इसीलिए। तो हमारा नेक्स्ट आइटम है ये निक्स का लिपस्टिक, जिसका नाम है केन्स, CANNES, केन्स। जो ये लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर रखा है, ये भी हमारे निक्स का ही केन्स है, ये मेरा फेवरेट शेड है न्यूड्स में। ये देखिए, इसका मैं आपको स्वॉच बता रही हूँ, ये देखिए इसका स्वॉच देखिए,
कितना स्मूथ क्रीमी एंड प्लम्प पिंक कलर का है, दैट टू इन न्यूड, सटल न्यूड। और मैंने एक और लिपस्टिक ऑर्डर किया है नायका से, जो है जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, नायका का स्मॉल फॉर्म जो लिपस्टिक का होता है वो वाला है। ये देखिए, इसका नाम है बॉम्बे, शेड नंबर 1। इसका भी मैं आपको स्वॉच दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्वॉच इधर देखिए, इसका ये काफी ड्राई फॉर्म में लग रहा है मेरे को। ये शॉर्ट वाला फॉर्म थोड़ा ड्राई फॉर्म में लग रहा है, बट इसका कलर देखिए कितना ऑसम, ब्राउनिश न्यूड कलर है, पिंक और ब्राउन न्यूड, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप, बट दोनों ही इतने ब्यूटीफुल कलर्स हैं। सो आई वुड रिकमेंड दिस नायका का बॉम्बे शेड और ये निक्स का केन्स शेड, ये दोनों ही आपके लिप्स पे ऑसम लगेंगे, स्पेशली समर सीजन में जब आपको सिर्फ लाइट कलर्स ही या ब्राइट कलर्स ही अच्छे लगते हैं। तो हमारा अगला आइटम है ये ब्रो प्रोमेड, इसको आप आईब्रो पेंसिल भी बोल सकते हैं। इसका एग्जैक्ट नेम है ब्रो डिफाइनर फ्रॉम शुगर और इसका शेड नंबर है 2 टॉप टॉम। ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ इसके साथ ब्रश मिल जाता है, इस तरीके से आप इसको ब्रश कर सकते हैं और ये आपका स्टिक है और स्टिक का शेप देखिए बिल्कुल ट्रायंगल शेप में है। इससे आप अपने आईब्रोज को हल्के हल्के से शेड कर सकते हैं बिल्कुल शेप में। तो ये आपका शुगर का ब्रो डिफाइनर है आर्च अराइवल, इसका कलर है टॉप और टॉप कलर मोस्ट ऑफ द इंडियन स्किन टोन्स में बहुत ही अच्छा लगता है। ये मीडियम टू फेयर स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये ना तो ज़्यादा डार्क है और ना ही ज़्यादा लाइट है। मेरे अगले आइटम है ये लैक्मे के 2 काजल, ग्लैमराइज काजल, ग्लैमराइज ग्लैमर अप योर लाइफ। तो मैं अपने चैनल में हमेशा आपको कहूँगी आप ग्लैमरस बने रहिए, एक्साइटिंग लगेगा, आपकी लाइफ एक्साइटिंग रहेगी जब ग्लैमरस बन के रहेंगे। तो इसका नाम भी ग्लैमराइज है। तो इसके भी मैं आपको स्वॉचेस बता देती हूँ। ये काजल है ग्रीन में, ये देखिए ये ग्रीन कलर का काजल है, कितना अच्छा कलर पे ऑफ है इसका। और ये दूसरा है ब्लू में, इसका कलर पे ऑफ देखिए कितना प्यारा है। इसे आप एज काजल तो यूज कर ही सकते हैं बट एज आईलाइनर भी यूज कर सकते हैं और समटाइम्स आप इसको एज आई शेडोज भी यूज कर सकते हैं। इसको आप ब्लेंड कर लेंगे अपने यहाँ आईलेट्स पे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ग्रीन थोड़ा ग्रीन पे ऑफ देगा आपको। हमारा लास्ट आइटम है ये प्लम का बॉडी वॉश दैट इज इन लीची कदल फ्रेग्रेंस और इसका फ्रेग्रेंस मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है और इसका स्मेल बहुत ही सटल है, बिल्कुल ज़्यादा तेज स्मेल नहीं है। और आपको ऐसे जिनको लीची की स्मेल पसंद नहीं है, बहुत ही ज़्यादा लगती है जैसे लीची ड्रिंक्स में होती, वैसी नहीं है, बिल्कुल लाइट सटल। और ये लगाएंगे तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी महकेगी, आई एम सपोजिंग दैट क्योंकि और ये पैकेट में तो ये पिंक लग रहा है पर जब मैं इसको ऐसे निकाल रही हूँ ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जा रहा है। तो ये देखिए, ये शावर जल आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। मैं भी इसे ट्राई करूँगी और मैं भी आपको बताऊँगी कि कैसा लग रहा है। तो अगर आपको मेरे ये आइटम्स यूज़फुल लगे, इनके रिव्यूज़, इनके बारे में जो मैंने बोला है, जो मैंने यूज़ ऑलरेडी कर रखा है, वो आपको उसके रिव्यूज़ अच्छे लगे, तो डू कॉमेंट मी डाउन एंड मुझे बताइए और क्या क्या देखना चाहते हैं आप लोग। और मैं आप लोगों को काफ़ी मेकअप लुक्स भी दिखाना चाहती हूँ। और मैं काफ़ी मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कुछ ज्वेलरी पे, वो भी बताऊँगी मैं आपको। सो स्टे ट्यून्ड एंड मुझे याद करते रहिएगा, भूलना मत। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और गुड बाय फॉर नाउ टिल नेक्स्ट वीडियो and stay tuned and stay glamorous always. Bye bye, stay safe.